हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्हाट्सएप या जीबी व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे। तो आप जब प्रोफाइल पे किसी के क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस के बारे में आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन ये जो गोल सर्कल में एक आई लिखा हुआ है वो क्या है? तो दोस्तों, इसे आई बटन कहा जाता है। तो इस आई बटन के बारे में दोस्तों मैं आपको इस चीज में बहुत सारे अनोखे फायदे बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप भी बोलोगे ओह माय गॉड। तो दोस्तों, इस आई बटन के रिलेटेड से मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही काम आएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल पे सेट कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मैंने यशराज का प्रोफाइल पे क्लिक किया दोस्तों, उसके बाद मैं इस आई बटन पे क्लिक कर लेता हूं। तो आई बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले आपको ऊपर में कस्टम प्राइवेसी आपको दिख रही होगी। तो सिंपली जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे आपको हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकंड टिक्स, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग, हाइड व्यू स्टेटस, एंट्री डिलीट मैसेज आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे आप अगर हाइड ब्लू टिक्स पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसको ब्लू टिक्स वहां पे नहीं दिखाई देगा। आप उसका मैसेज सीन कर लेंगे, लेकिन उसको वहां पे ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देगा, उसको व्हाइट टिक वहां पे दिखाई देगा। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हाइड टाइपिंग आप कर देते हैं, तो उसको वहाँ पे शो नहीं होगा कि आप टाइपिंग कर रहे हैं। अगर आप हाइड रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक कर देते हैं, तो उसको दिखाई नहीं देगा कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि उसे पता नहीं चलेगा। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ सेकेंड ट्रिक्स की ओर। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइड कॉन्टेक्ट नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सिंपली आप जैसे इस हाइड कॉन्टेक्ट नेम को आप अलाउ कर देते हैं दोस्तों, तब आप बैक आएंगे। तो जैसे आप इसके चैट में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यशराज का नेम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से इसका नेम छुपा सकते हैं और यहाँ से चैट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ वहीं पे। तो सिंपली आपको फिर से प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना और फिर से आई बटन पे आपको आ जाना है। आई बटन पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। तो सिंपली आपको सिक्योरिटी यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसा कि कभी कभी होता है दोस्तों, आप किसी वजह से अपने व्हाट्सएप में लॉक नहीं लगा के रखते हैं, और जब आप लॉक लगा के नहीं रखते हैं दोस्तों, तो आपकी व्हाट्सएप में जाके कोई भी आपका चैट्स पढ़ सकता है कि आप किस किस से चैट किए, आप किस किस से कॉन्टेक्ट किए हैं। तो दोस्तों आप किसी भी चैट को सिक्योर कर सकते हैं, आप किसी को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बैक आके कि मैंने यशराज का चैट सिक्योर नहीं किया हुआ, इस पर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं इसके चैट में लॉक लगा के दिखाऊंगा दोस्तों। तो जैसे कि आपको फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर आई बटन पे आपको क्लिक करना है। आई बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी पे आ जाना है। सिक्योरिटी पे आने में दोस्तों आप यहाँ से पैटर्न, पिन या फिंगरप्रिंट आप कुछ भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे पैटर्न लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न आ गया। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक पैटर्न लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एन पैटर्न लगाया, ऑन यहाँ पे हो गया दोस्तों सिक्योरिटी। तो फिर से मैं बैक आ जाता हूँ। जब मैं यशराज का प्रोफाइल में जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पे जाऊँगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों, जिससे कि आपका चैट सिक्योर रहेगा, आपका चैट कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो सिंपली जैसे आप यहां से बटन डालेंगे, तो ये अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले ट्रिक की ओर। तो उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर से इसके प्रोफाइल पर चले जाते हैं, उसके बाद आई बटन में चले जाते हैं दोस्तों। आई बटन में जाने के बाद दोस्तों पहले से मैं ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इसे ऑफ कर लिया उसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ हो गया। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे नो कॉल, अगर आप नो कॉल पे अलाउ कर देंगे दोस्तों, वो कॉल करेगा तो कॉल नहीं लगेगा। तो चलिए उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको म्यूट नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो दरअसल होता क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा पका रहा हो मैसेज करके बार बार, और आपको डिस्टर्बिंग हो रही हो, तो आप यहाँ से इसे अलाउ कर दे। जब ये आपको मैसेज करेगा तो आपको वो ट्यून सुनाई नहीं देगा, आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, जो कि साइलेंट रहेगा। तो आप हमेशा के लिए कर सकते हैं, या फिर 8 घंटे के लिए, या फिर 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इसे रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन। तो कस्टम नोटिफिकेशन आखिर है क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपके कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे हैं व्हाट्सएप में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको किसने मैसेज किया है? तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों कि हमको सोनू ने मैसेज किया, या हमको मोनू ने मैसेज किया, या हमको यशराज ने मैसेज किया। तो जैसा कि होता है क्या दोस्तों, आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और मैसेज आता है, तो आपको देखना पड़ता है कि किसका मैसेज आया। तो अब आपको उठ के देखना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो सिंपली आपको कस्टम नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे
क्लिक नहीं किया हुआ दोस्तों, तो आपको यहाँ से यूज कस्टम नोटिफिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन टोन दिख रहा होगा, तो सिंपली आप नोटिफिकेशन टोन पे क्लिक कर ले। उसके बाद दोस्तों आप जो चाहें आप वो यहाँ पे टोन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किसका मैसेज आया। आपको इस रिंग टोन के द्वारा आपको मालूम चल जाएगा कि किसका मैसेज आया है, तो आप यहाँ से कोई भी टोन लगा सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसका मैसेज आया। तो चलिए यहाँ से मैं इसे ओके कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों आपको अगर कोई भी फोटो भेजता है तो वो डायरेक्ट जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके गैलरी में भी चला जाता है। तो अगर कोई गैलरी में जाता है दोस्तों तो वो चीज़, वो फोटो कोई देख भी सकता है। अगर कोई आपका पर्सनल फोटो भेजा हो दोस्तों, कोई कुछ भेजा हो और वो किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ व्हाट्सएप में ही रहने देना है, तो सिंपली आपको मीडिया एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर लेना है। इसके बाद अगर आपको यशराज कोई फोटो भेजता है दोस्तों तो आपकी गैलरी में नहीं जाएगा, आपको नो पे क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। जिससे कि दोस्तों अगर ये कुछ ही भेजेगा तो आपके व्हाट्सएप में ही रह जाएगा, उधर गैलरी में नहीं जाएगा, और गैलरी में नहीं जाएगा तो वहाँ से कोई देख भी नहीं पाएगा। तो चलिए मैं इसे अभी डिफ्यूल्ट पे ही रहने देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।